हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज है वैक्सीनेशन का दिन। एक तुक्का लग गया बस मेरा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन हो गई मेरी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने CoWIN.com वेबसाइट से रजिस्टर किया है और इतनी मुश्किल से वेबसाइट से बुक हुआ ना भाई, क्योंकि ऐसे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक सेकेंड के अंदर सारे स्लॉट्स बुक होते जा रहे हैं। अब दिक्कत अब ये आ रही है कि जो एड्रेस लिखा हुआ है वो ना बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, जो वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय साइट 3 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। दिक्कत इसमें ये आ रही है ना, इसमें पीतमपुरा ना रोहिणी ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब तुक्के से हम अंदाजे से इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप्स में ऐसे कुछ है ही नहीं कि साइट 3 से वो पकड़ पाए। सुई से डर लगता है तेरे को? लगता है हाँ भाई, बॉडी बना रहा है तेरे को, सुई से डर लगता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो हाँ यार, ऑफ कोर्स हो सकता है। कोरोना के वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कोरोना शायद हो जाए, या वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। और इतने बड़े स्केल पर जब हर कोई लगवा रहा है, जो चांसेस ऑफ रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं वैक्सीनेशन से। मेरे पापा ने तो दोनों, उनको डोज लग चुके हैं वैक्सीनेशन के। मेरी मम्मी को एक लग गया है, बाकी मेरी बुआ को भी एक लग गया है, मेरी दादी को भी एक लग चुका है। सिर्फ फर्स्ट डे मैंने देखा है कि थोड़ी सा फीवरिश लगता है, क्योंकि डोंट कोट मी ऑन दिस, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है वैक्सीनेशन में यही होता है कि एक डेड वायरस तुम्हारे अंदर डाल रहे होते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो उसको अगली बार जब वो वायरस सच में आए तो उसको रिमेंबर कर सके। वैक्सीनेशन का फंडा सिंपल यही होता है। तो किस्मत से जो पहले सेंटर में हम घुसे हैं वही हमारा सेंटर है एक्चुअल में, साइट 3 यही है, सरस्वती विहार वाला। फ्री क्या है, 1 से 2 तक लंच है, तो 2 बजे के बाद लगनी शुरू होगी वैक्सीन। थोड़ा वेट करना, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल की एक बात अच्छी है कि भाई इतने बड़ा स्कूल होता है। अभी यहाँ पे लगी हुई है क्यू। अभी अच्छा हुआ कि लेट आए थे, थोड़ा कम वेट करना पड़ा। लोग मेरे सामने भी लोग हैं अभी। लाइन चल पड़ी, मेरे को लगा कि भाई आ गया नंबर अपना तो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंडियंस की मेंटालिटी ऐसे, जहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और हलचल मच जाए ना, तो ऐसा लगता है हाँ अब तो हमारी बारी आ गई, बस हमारी बारी। 15 मिनट हैं 2 बजने में, तो इतनी जल्दी बारी कैसे आ गई? गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, तो 2-2 मास्क पहनने से ना और ज़्यादा वो हो रहा है, सफोकेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। क्या ही कर सकते हैं, क्रिप करने के बजाय क्या ही कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टडीज़ देखी थी जिसमें वैक्सीनेशन जिसको लगी हुई है उसको कोरोना होने के कितने केसेस हैं, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई उनको कोरोना होने के केसेस कितने हैं। तो अगर वो मेरे को स्टडी मिलती है फिर से तो मैं इधर या तो लिंक डाल दूँगा नीचे, या इधर दिख आ रहा होगा। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ये तो है कि भाई रिस्क जो है वो कम हो जाता है। बाकी देख लो भाई, लगानी है लगा लो, लेकिन भाई लगवा लो। मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट मैं यही करूँगा, लगवा लो। और फाइनली हमारी बारी आ गई है लगने की। टाइम बिल्कुल 2 बज गए हैं। बेंचेस देखो कितने अच्छे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल है। A few moments later. Another one. मेरे को वैक्सीनेशन लग चुका है, अब नमन की बारी है। पता भी लगा ना। थैंक यू मैम। वैक्सीनेशन जो है अभी लग चुकी है। अभी हम इधर ये ऑब्जर्व रूम टाइप बना रखा है, इधर आधा घंटा वेट करना है, फिर उसके बाद जाएंगे इधर। ये देखते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। अभी तक तो कुछ ऐसे लग नहीं रहा मेरे को। वैक्सीनेशन लगी है, वो लगी है कोविशील्ड। सो फाइनली गाइस, अब हम निकल चुके हैं। दर्द वर्द तो मेरे को कुछ हुआ नहीं, कुछ खास ऐसे हल्का सा ही वो ऐसे घुसा और पचक करके बस लग गई। अभी तक कुछ ऐसा पेन वेन भी कुछ नहीं है। वो तुम भी जाकर ये लगवाओ वैक्सीनेशन, और जल्दी से भाई इस बीमारी को निकालें यार, ख़त्म करें, बहुत हो गया। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और बस मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।